नमस्कार प्यारे बच्चों, अब आप इस विषय के वीडियोस एक साथ भी देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे मेरी चैनल का नाम है, तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस विषय के वीडियोस एक साथ देख सकेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षानों का पाठ नंबर 18 अंधेरी नगरी। तो इस पाठ में हमने देखा था कि महंत जी है और उसके दो शिष्य है, नारायण दास और गोवर्धन दास। वो एक गांव में एक जाते हैं तो वहां का राजा है, उसके राज्य में टकेसर बाजी और टकेसर खाजा मिलता है। तो महंत जी कहते हैं कि ऐसी नगरी में नहीं रहना जहां खाजा और बाजी का भाव एक सरखा है। तो गोवर्धन दास कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ रहूंगा, और महंत जी कहते हैं कि तुम बाद में पछताओगे। ऐसा कहकर महंत जी चले जाते हैं। अब है दूसरा दृश्य। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो दो नौकर एक फरियादी को ले लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज, दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज कल्लू बनिए को दीवार गिर गई, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो, कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पड़कड़ के लाते हैं। क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। महाराज, मेरा आपको कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई के गिर पड़ी। अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ के लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ के लाता है। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। महाराज, चूना वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा उस चूने वालों को बुलाओ। कारीगर निकल जाता है, चूने वाले को पकड़ कर लाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। चूने वाला, महाराज भिष्टी ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा, तो भिस्ती को पकड़ो। भिस्ती को लाया जाता है। क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाला कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा भर गया। तो राजा बोलता है, अच्छा भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर भिस्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्यों कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को छोड़ो, गडरिये को लाओ। कसाई निकल जाता है, गडरिया लाया जाता है। क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बची। महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं रखा, मेरा कुछ कसूर नहीं। इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया, कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि कैसे एक बकरी के मरने पर सभी एक दूसरे पर दोष डाल देते हैं और अंत में दोष है वो कोतवाल पर आता है। तीसरा दृश्य। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरु जी ने हमको बेकार यहाँ रहने का मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। चार सिपाही चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन घबरा कर, अरे यह आफत कहाँ से आई, अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे पकड़ रहे हो। सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म दिया हुआ था, जब उसे फांसी देने में लग गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं, हम लोगों ने महाराज से किसी न किसी को सजा देनी होगी जरूर, ऐसा कहा है, तो नहीं तो न्याय नहीं होगा, इसलिए इस पर हुक्म हुआ है कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दी जाए। गोवर्धन, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे
यह बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी आप कहा है, आओ मेरे प्राण बचाओ, गोवर्धन चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन, आए बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। गोवर्धन, हाय मेरे गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहा हो, बचाओ गुरुजी बचाओ। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन, तेरी यह क्या स्थिति है। गोवर्धन हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिससे के लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ, कोई चिंता नहीं। भीड़ चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने हैं। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझ कर कहते हैं। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित हो जाते हैं। राजा मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है। सिपाही, महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा, बाबूजी बोलो आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो। महंत, राजा इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिरता है। चुने हुए बाल एकांकी में से यह लिया गया है। तो हमने देखा कि कैसे गोवर्धन दास फांसी से बच जाते हैं और राजा है वो फांसी पर चढ़ जाते हैं, और यह सब होता है महंत जी की बुद्धिमानी से। गोवर्धन दास ने तो पहले महंत जी की बात नहीं मानी, वही महंत दास जी की बात न मानने का फल यह होता है कि गुरु गोवर्धन दास को फांसी की सजा सुनाई जाती है, जिसका कोई कसूर नहीं होता है फिर भी, और इससे महंत जी है वो अपने चेले को बचा लेते हैं अपनी बुद्धिमानी से। तो यह पाठ में से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां किसी को किसी बात का ज्ञान नहीं हो।